रोहतक के बाली आनंदपुर गांव में एक नई नवेली दुल्हन पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से आरोपी साहिल फरार था। पुलिस ने हत्या के 5 दिन बाद उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को रोहतक कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। 3 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी और मामले को लेकर खुलासे करेगी। पेश किया है जी इसको, और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने इसका जो है पुलिस कस्टडी में रिमांड लिया है और माननीय अदालत ने मंजूर फरमा दिया है। तो कितने दिन का इसका रिमांड मिला है? इसका रिमांड हमें 3 दिन का मिला। अच्छा, इसके अक्यूज्ड को कहां से गिरफ्तार किया गया था और इस पर क्या कुछ आरोप है? इसको जो है आरोप इस पर जो है जान से मारने की नीयत से लड़की पर इसने गोली चलाई है और चैन छीनी है, ये इस पे आरोप है। अच्छा, गिरफ्तार कहाँ से किया गया इसे? गिरफ्तार इसमें पलड़ी से किया गया है, यूपी बॉर्डर से। कुछ बरामद भी हुआ है? वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो इसे गहनता से पूछताछ करके और आगे जैसा भी है वो बरामदगी की जाएगी। अच्छा, अब तक उसने बताया हो कुछ रिमांड में कल से इसको गिरफ्तार किया गया तो कुछ बताया हो क्यों इसने इस घटना को अंजाम दिया? बस गहनता से भी पूछताछ जारी है इससे, और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको दोबारा से बताया जाए। कोई जल्दबाजी होगी, अभी पुलिस रिमांड लिया है हमने, जब तक क्लियर नहीं हो जाती। आरोपी युवक दूसरे समुदाय से संबंध रखता है और लड़की हिंदू समुदाय से है। पूरा मामला 1 दिसंबर की रात का है, जब रोहतक जिले में शादी के जोड़े में ससुराल जा रही दुल्हन को बदमाशों ने गोली मार दी थी। इस दौरान बदमाशों ने पहले दूल्हे की गाड़ी को ओवरटेक किया, फिर दूल्हे को नीचे उतारकर दुल्हन को 4 गोली मार दी थी। दूल्हे के परिजन दुल्हन को रोहतक के सांपला से शादी कर लाए थे। घर पहुंचने से पहले ही गांव के बाहर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नई नवेली दुल्हन पर फायरिंग मामले का आरोप सांपला के ही टाहिल नाम के युवक पर था, जो सांपला की ही रहने वाली तनिष्का को एक तरफा प्यार करता था और उस पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शाहिल ने 1 दिसंबर की शाम अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सांपला के एक व्यापारी की इनोवा गाड़ी छीनी और 4 घंटे तक दुल्हन की रेकी करते रहे। फिर दुल्हन तनिष्का की विदाई हुई और 40 किलोमीटर पीछा किया और ससुराल पहुंचने से पहले ही दूल्हे की गाड़ी को ओवरटेक कर तनिष्का पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।